भाई जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हमने रूम पे जाने के बाद व्लॉग एंड कर दिया था पहले वाला। और भाई अभी हम आके रुके हैं बाबूगढ़। तो बाबूगढ़ में भाई पीते हैं चाय और खाते हैं ब्रेड। तो उस टाइम भाई मेरे रोटी खाने का मन नहीं था ना, एक रोटी खा ली थी भाई, रोटी खाने के बाद फिर मुझे वॉमिटिंग सी हो गई थी। शिवा ढाबा पे रुके हैं, ये देखो कितने इनके चेहरे चमक रहे हैं, फोटो कितनी बढ़िया होने लगी। फेस पे ग्लो है, फेस पे ग्लो है। हमारा झंडा देखो कितना काला हो गया। भाई चाय पीते हैं, चाय पीने नहीं दे रहे, इतने से स्नैपचैट स्नैपचैट डाले जा रहे हैं। चाय पी के दस तो कितना दिया भाई साहब, ये अपना ब्रेड बटर बढ़िया ना चाय। ऐसे बंदे हैं ये, पहले बोल रहे थे हम खाएंगे नहीं कुछ, अब ठूस रहे हैं दो दो उठा के, दिन भर गया ब्रेड देखते। तो चलने लगे हैं भाई यहाँ से। भाई चाय थी यहाँ पे एक नंबर की, चार ब्रेड खाने थे, खा गए आठ ब्रेड कमीने। ये तो रोटी भी खा के आए थे, मैं तो रोटी भी नहीं खाई। ये देखो देखो छोड़ के जा रहे हैं मुझे। हाँ की लेना होना फोन तो ना फोन तो ना फोन धोने में चार ब्रेड कहते कहते आठ ब्रेड खा गए तुम बेशर्मो। पांच भाई मैंने खाए, बाकी मुझे नहीं पता किसने कितने खाए। अब भाई ये बताओ। हाँ क्या बताओ। धर्मेंद्र भाई लगातार गाड़ी चला रहे हैं अमृतसर से, और गगन भाई कहते हैं लंबे सफर के लिए गाड़ी सही नहीं है। तो भाई अभी रामपुर पहुंच गए हैं और घर रह गया है भाई 10 किलोमीटर। तो भाई धर्मेंद्र भाई का घर आ गया है, धर्मेंद्र भाई को उतारते हैं। कच्चा तेरा होना है ये बैग च? कच्चा मेरे बैग, मेरा मेरे बैग। चपला तो लेके नहीं गया ना? सब तो बड़ा ही है। चलो 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 फिर भाग जाओ। अच्छा ठीक है, कैसे भागा रहा घर पे आके देखो। तुम चाय पी नहीं रहे हो, ये कहूंगा तुम भाग जाओ। ओए क्या पी लेते हो, ड्राइवर को देखो कितनी जल्दी हमारे। ठीक है भैया बाय। तरुण भाई यहाँ से लेके जा रहे हैं गाड़ी घर पे, पूरे रास्ते तो भाई को चला नहीं मिली थी बेचारे को। दो भाई आ गए हैं घर पे, पता हार चुके हैं। बस बस और अंदे जैकी भाई इधर कर मेरे वाल थोड़ी गड्डी। बाबे दर्शन करके ठीक है, चैन दी क्यों करवे करके ठीक है। तो मैं इधर करे छोड़ दे अंदर। ये भाई लियो अपना लियो। इधर इधर बुकिंग कर। हाँ वढ़ते दंदी वढ़ते, तू जड़ी दंदियां वढ़ता ना तू। इधर आके चलिया देख देखो मीता मीता दीदी। चलो भी दीदी को देते हैं दीदी का सरप्राइज। मीत तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट ले, दस की होगा पहले, दस की होगा इहदे च गैस कर ले देख की है। ले थैंक यू। हाँ जा सोनी लगन नहीं खोल दी नहीं है देखी देंगी है नहीं करोगे आप पौधा रहा दंग सानो की है सारे पैसे वसूल क्यों मरने के जो ले बेईमान हो गया। तो भाइयों घर पे 5:30 बजे पहुंच गए थे और भाई अब लगाऊं मैं सोने, 4-5 घंटे सोते हैं फिर उठेंगे भाई, देखते हैं कितने बजे उठते हैं फिर करेंगे और काम। तो भाई मैं अब उठा हूँ, टाइम हो रहा है भाई 10:15 का। अभी भाई मैं नहाता हूँ और मम्मी जी की दवाई भी लेके आनी है, आज दवाई भी लेके आते हैं, शायद भाई जाएगा या फिर मैं जाऊँगा। तो भाई नहा धो के रेडी हो चुके हैं भाई, अभी खाते हैं खाना और फिर लेने चलेंगे मम्मी जी की दवाई। और तरुण भाई भी उठ गए हैं, गाड़ी भाई उधर खड़ी कर दी थी, लियो अपना इधर है। ये भाई पलस्तर इधर घुला हुआ है, कुछ काम चल रहा है अपने घर पे, आपको दिखाता हूँ जो बताया था ना मैं, उसमें वो दीवार टूटी हुई है तो भाई वो बन रही है अभी। पहले इधर 4 इंच की दीवार थी, अब 9 इंच की दीवार हो रही है। ये वाली दीवार भी 9 इंच की होगी, ये भी दीवार 9 इंच की होगी। फिर थोड़ा इसको ना बरामदे को ना चौड़ा करने की सोच रहे हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी बाहर खड़ी होती है, गाड़ी के अंदर खड़ी करने का जगह नहीं है। तो इसको थोड़ा टीन शेड को चौड़ा कर देंगे ना तो गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी हो जाया करेगी और स्पेस हो जाएगा काफी ज्यादा, गाड़ी धूप और ओस से बच जाएगी। ये भैया अपना आ गया है खाना, आलू का परौठा मक्खन, और ये है भाई भरा हुआ बैंगन दही, और ये है भाई
जिसे अपना मीठे चावल बोलते हैं। ये सारा भाई मेरे को जितने परौंठे खा रहा ना सारा मेरे को कार्डियो कर करके निकालने पड़ेंगे। तो भाई अभी मम्मी जी की दवाई लेने जा रहा हूँ फिर से। उस दिन जो लाए थे दोस्तों उस दिन दवाई से फर्क है, अब दोबारा से दवाई ला के पूरा कोर्स कर लेते हैं जितना दिन का डॉक्टर साहब बताएंगे। पेट में दोस्तों वही इन्फेक्शन हो गया था मम्मी जी के, आंतों में गैस सी बन गई थी। तो भाई मैं आ गया था मम्मी जी की दवाई लेके, ये देखो अपना लियो। हाँ देखो देखो हाथ ही कितना प्यार करता है। हाँ 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 बेटे हाँ हाँ देखो देखो कितना खुश हो रहा है। मौसम दोस्तों बारिश का हो रहा है, दोपहर के बाद मौसम चेंज हो गया था। देखो 12 बजे से पहले भाई धूप से निकली थी। ये भाई पंजीरी बनी है अपने घर, तो ये पंजीरी बनती है भाई सारे मेवे वगैरह डाल के और सौंठ डाल के। तो इसकी रेसिपी अगर आपको जाननी है तो भाई मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, कमेंट करके बता देना, बहुत ही टेस्टी होती है। अरे भाई आज मैंने रोस्ट करवाए हैं मखाने। ये अपना जैकी बिल्कुल ठीक हो चुका है, ये जैकी बिल्कुल एकदम से गुस्से में रहता है हमेशा। जैकी जैकी अरे भाई रे ये है सियाणा कुत्ता, इसको देखो क्या हो रहा है। ये आ गई एक मड़ाता, ये आ गई एक लेबर वाली दीदी मेरी है ना आजा आजा चल दो में जाने बैठी इधर। भाई बारिश ही थोड़ी तेज आ गई है, उसके ऊपर चुन्नी दे दे, अंदर ले चलिए ना। तरुण भाई अभी शहर गए थे, तरुण भाई शहर से दवाई लेके आए हैं नानी जी की, और दोस्तों मैं जा रहा हूँ नानी जी को छोड़ने बाजपुर की तरफ। आजा जल्दी आजा, शाम को अर्जेंट जाना पड़ रहा है मेरे को इनको छोड़ने के लिए, कुछ काम आ गया ऐसा। ये मीत दीदी भी हमारी तैयार हो गई, देखो पूरी एकदम से बिल्कुल ही ना बिल्कुल लेबर वाली लग रही है। हट जा चलो भाई। चलो बाबू चंगा लियो बाय लियो लियो बाय बाय लियो। उठ गया उठ गया लियो बाय। चल सीट बेल्ट ला सती की प्रॉब्लम है, इतना सीट बेल्ट लौटना है। बाय मम्मी। चलो अभी निकल रहे हैं घर से, 6 बज चुके हैं, देखते हैं भाई कितने बजे तक पहुंचते हैं मामा जी के घर पे बाजपुर। हमारे साथ लेबर वाली भी चल रही है। तो भाई 2 घंटे हो गए चले हुए घर से, अब पहुंचे हैं। दूर है ये गाड़ी नहीं आई था। दीदी चाची का चाची का हां हां दास इधर ना क्या आया कर पागल क्यों इधर नहीं क्या इधर ना। सो गाइस अभी मामा जी के घर पे पहुंच चुका हूँ, कल गया था सोनीपत जैसे कि आप सब ने देखा था भाई, बहुत ज्यादा सबकी याद आ रही थी तो आपको मिलवाने की कोशिश करी सबसे, पर कुछ बंदे इधर सोनीपत थे कुछ बंदे भाई जींद साइड की तरफ थे। काम करते करते कुछ बातें होती हैं जो किसी के मन को छू जाती हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, और तो भाई कोई खास बात नहीं है, खास बात कहें तो भाई बहुत बड़ी बात है पर मैं आपको बताना नहीं चाहता भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस से ना आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि मतलब धोखेबाज जो होता है ना, धोखे देने वाले की खासियत जो होती है ना वो हमेशा अपना ही होता है, ये याद रखना। और धोखा आपको कभी भी मिल सकता है, कभी भी दोस्तों अपने दिल के और अपने कुछ लूज पॉइंट कभी किसी को मत बताओ जो कभी तुम्हारा फायदा उठाए, है ना। कभी भी किसी को मत बताना चाहे तुम्हारा वो कितना ही सका हो, कभी भी किसी को मत बनाना। हमेशा अपने पास अपनी चीज़ों का अपने राज के राज रखो अपने पास, जो तुम्हारे साथ ही जाएं, ये मैंने एक्सपीरियंस लिया है। अगर आप किसी को भी कुछ अपना अपनी कोई बात शेयर करते हो, किसी को अपना दोस्त मान के अपना सच्चा मित्र मान के, तो वो आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर उठाता है भाई। बहुत सारा एक्सपीरियंस है यार आपके साथ मैं शेयर करूं तो आपकी लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके भाई ने छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा धोखे बेवफाई और मतलब ये इसमें कोई लड़की का जिक्र नहीं है, कोई आप ये सोचो ये वो मतलब नहीं है, मतलब जो दुनिया जो सिखाती है ना भाई वो कोई बुक नहीं सिखाती। जो ठोक कर जो धोखा सिखाता है ना आदमी को, जो बेवफाई सिखाती है ना आदमी को, वो दुनिया की कोई सी बुक नहीं सिखाती, ठीक है। तो सब यार स्टाफ सारा बिछड़ गया, सब टेढ़ी बेढ़ी हो गया, कोई नहीं करेंगे जॉब तो भाई, जॉब तो करनी है, जॉब के बिना कहाँ काम चलेगा भाई, इतने बड़े अमीर भी नहीं है। तो बस अभी थोड़ा घर पे रह ले, काफ़ी सालों से भाई मैं इतने दिन कभी घर पे नहीं रुका भाई, बहुत अच्छा लग रहा है घर पे रह के।
काफ़ी साल का भाई जब से होश संभाला है बाहर ही है। 16 साल की उम्र से भाई कमाने लग गया था, 15 साल की उम्र से हेल्पर ही में चला गया था, 14-15 साल की उम्र से तब से भाई बाहर ही है। भाई बहुत लंबी स्टोरी है, जब आप इंटरेस्ट लोगे ना मेरी स्टोरी में सुनने में भाई, तभी मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँगा कहाँ से मैंने कहाँ का सफ़र तय किया और कहाँ ग्रेटर तक पहुँचा, फिर यूट्यूब में आया। काफ़ी लंबी स्टोरी है भाई, किसी ने स्पेशल इस पर वीडियो बनाऊंगा जब आप लोग कहोगे, आप लोगों को इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो बस भाई आज का व्लॉग यही था। मामा जी के घर पे आया हूँ और नानी जी को छोड़ने, एक दो दिन यहाँ पे रुकना है, इनके कुछ काम है वो निपटाने हैं, तो वो काम निपटा के फिर भाई घर पे जाऊँगा और भाई फिर रिव्यू करेंगे भाई जीप का और काफ़ी सारी कार्स का और मशीनों का रिव्यू करेंगे। भाई सारे प्लान फिक्स हैं मेरे, तो जल्दी से रिव्यू आएंगे, व्लॉग आएंगे। प्यार देते रहो, सपोर्ट बनाए रखो। जब आपने यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक पहुँचाया है तो भाई आप ही लोग और आगे पहुँचाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं भाई नए व्लॉग में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय, लव यू।